हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए हमने सोचा है कि भाई साइंस को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू किया जाए। देखिए, शुरुआत करते हैं हम साइंस की बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखिए, साइंस हिंदी में इसको कहते हैं भाई विज्ञान। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक डेफिनेशन तो ये होती है कि भाई प्रकृति द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, भाई विज्ञान कहलाता है। पर हमें इतनी लंबी परिभाषा याद नहीं करनी है। देखिए, बात करूं मैं इसकी दूसरे डेफिनेशन की, भाई साइंस है ये ग्रीक भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज बढ़ाना। इतनी मत के लिए किसी चीज के बारे में ज्ञान बढ़ाना, नॉलेज प्राप्त करना क्या है भाई? विज्ञान है। विज्ञान को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, एक तो लिविंग यानी कि सजीव, एक नॉन लिविंग निर्जीव। सजीव में तो आती है भाई बायोलॉजी, और निर्जीव में आती है भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी को। देखो, बायोलॉजी होता क्या है? देखो भाई, बायो और लॉजी दो अलग अलग शब्द हैं। यदि मैं इनको ब्रेक करूं, बायो का मतलब है जीव, और लॉजी का मतलब क्या है भाई? टू स्टडी यानी अध्ययन करना। जीवों का अध्ययन करना क्या है भाई? बायोलॉजी है। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जीव विज्ञान। बात आती है ये शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया था भाई दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेवे रेनर। कौन थे? ट्रेवे रेनर, जिन्होंने क्या किया भाई, ये बायोलॉजी शब्द दिया। बायोलॉजी के बारे में जो जितनी भी थ्योरी थी वो दी थी किसने? अरस्तु ने। इसलिए किसको कहा जाता है भाई फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, इसी प्रकार जीव विज्ञान को दो अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में और तोड़ा जा सकता है। एक भाग तो है जूलॉजी, और एक भाग है दूसरा इसका बॉटनी। समझ में आ रही है चीजें? जूलॉजी यानी कि जूलॉजी तो होती है भाई जंतु विज्ञान, बॉटनी होती है भाई वनस्पति विज्ञान। क्लियर इतनी बात? देखिए, जंतु विज्ञान में क्या होगा भाई? जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन होगा, और वनस्पति विज्ञान में क्या होगा? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान के बारे में किसने बताया? जंतु विज्ञान के बारे में भी अरस्तु ने बताया। इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु ने क्या किया भाई, इस जंतु विज्ञान के ऊपर एक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरी का एनिमेलिया। कौन सी किताब लिखी? एनिमेलिया, हिस्टोरी का एनिमेलिया लिखी। इन्होंने क्या किया भाई, इसमें 500 से अधिक प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया। इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान के बारे में भी किसी ने बताया होगा? वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया था थ्रोयोथास्टस ने। किसने बताया था? थ्रोयो थ्रोयोथास्टस ने बताया था वनस्पति विज्ञान के बारे में। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थ्रोयोथास्टस को। इतनी बात क्या पढ़ रहे थे हम? विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी, जो किससे बनाया भाई? ग्रीक शब्द सिंटिया से बनाया, जिसका मतलब है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, यानी किसी चीज के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना क्या है भाई? विज्ञान है। साइंस को फिर हमने क्या किया था? दो हिस्सों में ब्रेक किया था, सजीव और निर्जीव। सजीव में हमने रखा था बायोलॉजी, और निर्जीव में रखा था फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी को, यानी कि जीव विज्ञान को। ठीक है, जीव विज्ञान कहते किसको भाई? जीवों का अध्ययन क्या कराता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जो ये जीव विज्ञान शब्द है किसने गढ़ा था? लेमार्क और ट्रेवे रीनस ने गढ़ा था। इतनी बात क्लियर है? और बायोलॉजी के बारे में जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी सिद्धांत थे, किसने दिए थे? अरस्तु ने दिए थे। इसलिए जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था?
जीव विज्ञान को दो हिस्सों में ब्रेक किया था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या होता है भाई, जंतुओं के बारे में अध्ययन होता है, और वनस्पति विज्ञान में क्या होता है भाई, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान के बारे में थ्योरी किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी, इसलिए जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने क्या किया था भाई, अरस्तु ने किताब लिखी थी, क्या लिखी थी, हिस्टोरिका एनिमेलिया, उसमें क्या किया था इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया था। इसी प्रकार बॉटनी के बारे में भी किसी ने थ्योरी दी थी, किसने दी थी, थायोफ्रास्टस ने, ठीक है। बॉटनी के बारे में किसने दी थी थ्योरी, थायोफ्रास्टस ने, इसलिए बॉटनी के जनक किसको कहा जाता है, थायोफ्रास्टस। ये तो हमारा खत्म हुआ इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।